नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। IID एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी थ्रू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, वेबिनार, वर्कशॉप, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड सो ऑन, जिसकी मदद से एंटरप्रेन्योर्स कर पाते हैं अपने इंडस्ट्री की एक बेहतरीन शुरुआत। आज IID के इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन को बनाया जाता है। आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन किसी भी सब्सटेंस, मटेरियल, प्रोडक्ट के वेट को मेजर करने के काम में आता है। आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन हर बिजनेस में जरूरी होता है, चाहे कोई सब्जी वाला हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हर जगह इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन काम में आता है। आज से पहले तराजू का काम हुआ करता था, तराजू पे लोग सामान तौलते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा सामान हम तराजू पे नहीं तौल सकते थे और वेट भी परफेक्टली मेजर नहीं हो पाता था। तब इस प्रॉब्लम का सलूशन बनकर आया इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन। तो चलिए चलते हैं अंदर BPL इंडस्ट्री में और जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन को बनाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम बेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेटल का बना होता है। इस बेस प्लेट में सारे कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं। सबसे पहले इस बेस प्लेट में ये फीट लगाया जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा, जो कि 240 वोल्ट के करंट को 12 वोल्ट के करंट में बदल के कार्ड पर सप्लाई करता है। इस ट्रांसफॉर्मर से लाइट का सप्लाई जाता है। इसके बाद इसमें लॉट सेल का प्रयोग करते हैं। लॉट सेल पर वेट जाता है, जिसके बाद हमें वेट मशीन के डिस्प्ले पर दिखाई देता है। सारी प्रोग्रामिंग लॉट सेल में होती है, जिसकी वजह से हमें वेट डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई देता है। इसके बाद इसमें हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी वेइंग मशीन में यूज होती है, जिसकी मदद से मशीन का कांटा चलता है। ये बैटरी 6 वोल्ट 5 एम्पियर का होता है, जो कि आपको एक चार्ज पर 12 घंटे का बैकअप देता है। इसके बाद मशीन में ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा सेकंड डिस्प्ले वर्किंग में आ जाए। इसके बाद इस मशीन में पावर प्लग लगाएंगे, जिससे ट्रांसफार्मर पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जा सके। अब इस बेस प्लेट का माउंटिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद शोल्डिंग किया जाएगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का शोल्डिंग किया जाएगा, जिसे पावर प्लग में अटैच किया जाएगा। शोल्डिंग का काम खत्म होने के बाद अब इसके ऊपर कवर लगाया जाएगा, जिसके बाद कैलिब्रेशन पर इसे भेजा जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले लगाया जा रहा है, जिसकी मदद से हम वेट देख सकते हैं। डिस्प्ले लगाने के बाद इस पर BPL कंपनी का स्टिकर डिस्प्ले के ऊपर लगाया जाएगा। अब वायर की शोल्डिंग की जाएगी, जिसकी मदद से ये जान पाएंगे कि पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं। अब वायर लगाया जाएगा, जो बोर्ड का वजन डिस्प्ले पर दिखाएगा। इसके बाद LED बल्ब को कनेक्ट करेंगे बोर्ड से, जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगा। इस इंडिकेशन से पता चलता है कि वेइंग मशीन का कांटा शुरू हो गया है। इसके बाद अब इस बोर्ड को बंद किया जाएगा, जिसके बाद हम सेकंड डिस्प्ले मशीन में फिट करेंगे। इस पोल के अंदर से वायर को पास करेंगे, जिसकी मदद से डिस्प्ले बोर्ड को टाइट करेंगे। इसके बाद इस मशीन को डस्ट से बचाने के लिए डस्ट कवर चढ़ाया जाता है। डस्ट कवर चढ़ाने के बाद स्टील का प्लेट इस मशीन के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिस पर हम किसी वेट को मेजर कर सकेंगे। अब इस मशीन को ऑन करेंगे। हालांकि अभी यह मशीन एक्यूरेट वेट नहीं बताएगा, इसलिए अब इस मशीन को कैलिब्रेट करेंगे। हमारी मशीन अब तैयार हो गई है। अब ये पैक होकर डिस्पैच के लिए रेडी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए IID के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर जा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।